वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना उसका बयां होगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं नगरवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शांति प्रेम की देता शिक्षा मेरा भारत सदा सर्वदा। अतिथि विद्वान महासंघ की ओर से 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर सरकार को और प्रदेशवासियों को बधाई, साथ ही अनुरोध किया सूबे के मुखिया से कि फॉल इन आउट 1800 अतिथि विद्वानों को तत्काल सेवा में लेते हुए नियमितीकरण कर पुनर्वास करें। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री से मांग की गई। बधाईकर्ता डॉक्टर देवराज सिंह अध्यक्ष व संयोजक अतिथि विद्वान महासंघ, डॉक्टर आशीष पांडे मीडिया प्रभारी, अतिथि विद्वान शशांक शर्मा, अतिथि विद्वान भगवान दास धार्मिक अतिथि विद्वान। मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय सिंधिया जी, वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव जी, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, समस्त सभी प्रदेशवासियों को, सरकार के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई 15 अगस्त की महाविद्यालय अतिथि विद्वानों की ओर से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र प्रार्थना है कि जिस मुद्दे पर आपकी सरकार बनी, जिस मुद्दे पर आपको सत्ता की चाबी मिली, तो उस मुद्दे को आप तत्काल पूरा करिए। इसके बाद जो सरकार ने कल हमारे बारे में अतिथि विद्वान फॉल इन आउट के बारे में वो फैसला लिया है, वो स्वागत योग्य है, जो जिन्होंने 900 लोगों की चॉइस फिलिंग निकाली है। और हम गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी को थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने 900 के लोगों के लिए तो कुछ किया, पर एक अनुरोध हो रहे हैं उनसे कि वो जो बाकी रह जाएंगे 900 लोग, उनके लिए भी कुछ करें। धन्यवाद। नमस्कार समस्त प्रदेशवासियों को, मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जो हमारे लिए एक निर्णय आया है जिसमें कि फॉल इन आउट अतिथि विद्वानों को वापस पुनः व्यवस्था में बहाली के लिए 975 पदों पर चॉइस फिलिंग होगी, मैं उसका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उच्च शिक्षा मंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही उनसे एक विनम्र अनुरोध है कि जो बाकी के फॉल इन आउट अतिथि विद्वान बचेंगे उनके लिए भी शीघ्र से शीघ्र उचित कदम उठाएं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।